रेडी स्टार्ट। सर एज ऑनरेबल मेंबर्स आर वेल अवेयर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस नॉट ओनली टू द कॉफी कंज्यूमर्स बट आल्सो टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इट इज ए फैक्ट दैट नॉट ओनली द इंटरनल कंजम्पशन ऑफ कॉफी हैज इंक्रीज्ड बट आल्सो इंडियन कॉफी इज लव्ड फॉर इट्स क्वालिटी इन आउटसाइड कंट्रीज दो इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट कमोडिटी ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन वेरी लार्ज डायमेंशंस इट डज ब्रिंग इन ए फेयरली गुड इनकम टू द ग्रोअर्स एंड इट इज इन आवर इंटरेस्ट टू डेवलप द कॉफी इंडस्ट्री विद दैट व्यू वी हैव ब्रॉट फॉरवर्ड दिस मेजर एंड वी आर मेकिंग प्रिंसिपली टू स्ट्रक्चरल अल्टरनेशंस और अमेंडमेंट्स इन द ओरिजिनल स्कीम ऑफ द कॉफी बोर्ड टेकिंग द अमेंडमेंट्स सॉट टू बी मेड बाई दिस बिल सीरियली आई वुड फर्स्ट इन्वाइट अटेंशन टू क्लॉज 6 ऑफ द बिल विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू बोर्ड। देयर इज ऑल्सो द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बाय द गवर्नमेंट। दिस हैज़ बीन द सब्जेक्ट मैटर सम कंट्रोवर्सी एज ऑनरेबल मेंबर्स आर क्वाइट अवेयर एंड आई वुड लाइक टू डील विद दैट मैटर क्वाइट ब्रीफली। आई शैल ऑल्सो बी हैप्पी टू गिव माई रिएक्शंस टू सच ऑब्जर्वेशंस एज मे बी मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिबेट। इट हैज बीन कंसिडर्ड इन सर्टेन क्वार्टर्स दैट गवर्नमेंट इन इंट्रोड्यूसिंग दिस अमेंडमेंट इज ट्राइंग टू डू समथिंग अनजस्ट टू द ग्रोअर्स। फर्स्टली द ओरिजिनल एक्ट कंटेंड ए प्रोविजन फॉर द इलेक्शन ऑफ द ग्रोअर्स ऑर्गनाइजेशंस बाई पैनल्स। दैट वॉज द अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग द अमेंडिंग बिल। दिस इज वन सोर पॉइंट एंड आई माइट स्टार्ट विद दैट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नाउ। रियली स्पीकिंग गवर्नमेंट कुड हैव एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन अफेक्टिंग द ग्रोअर्स एडवर्जली। वी कैन नॉट किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग। इफ वी किल द इंडस्ट्री नो वन कुड होप टू हैव ए डेवलपमेंट इन दिस कंट्री इंडस्ट्री। नो डाउट समटाइम्स थिंग्स हैपन्ड इन द पास्ट एंड दे मेड गवर्नमेंट कम टू द कंक्लूजन दैट द कॉफी बोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट डू ऑल इन इट्स पावर टू सी टू इट दैट द प्राइसेज वर अंडर कंट्रोल। वी हैव टू स्ट्राइक ए सॉर्ट ऑफ गोल्डन मीन। इट इज नॉट दैट ओनली द ग्रोअर्स इंटरेस्ट्स आर सुप्रीम बट आई एम क्वाइट श्योर दैट वेयर एज द ग्रोअर्स इंटरेस्ट्स हैव टू बी इम्पोर्टेंट द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर्स हैव ऑल्सो टू बी टेकन इंटू अकाउंट। टेक द टैरिफ कमीशन फॉर इंस्टांस। इट गोज इंटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंडिजीनियस प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फाइंड्स आउट द इम्पोर्ट प्राइस ऑफ एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। इफ द इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ एन इम्पोर्टेड आर्टिकल इज रुपीज 30 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए लोकल आर्टिकल
is rupees 20. The commission tries to cover the gap of rupees 10 and add a little more so that the indigenous product may not work with an initial disadvantage which the imported product. That is what they do. So in the case of productive industry, it goes without saying that the margin to the grower should be important and should be a sufficient incentive, but then we have to look at other factors also. Take the case of silk, for instance. Silk is a relevant example. Supposing we stop all imports, the growers might get rupees 58 or rupees 60 per pound, whereas the tariff commission price should be round about rupees 32 per pound, giving a margin for the handicap sustained by local production. If prices soar high, they have a deleterious effect on industry, though for the time being persons in charge of particular concerns may profit by it today and tomorrow. This is not beneficial from the long range point of view, and in as much as we want this coffee industry to develop in the long run into a very prosperous industry, not only to satisfy the internal needs but also to satisfy our exports as much as possible, we must take effective and proper steps, just as we must see to it that the grower gets a proper margin. It is equally important to see that the growers' prices are not such as would result in prejudice to the particular industry in the long run. In the near future, it may be advantageous for us to do that. During the current year, we could find it possible to increase the quota because production was higher than before, and we want to go ahead further than we did so far in increased production. Maybe if production were as, we might be able to do it, and we would be very happy to give as great a quota as possible because it naturally helps the industry. But we have to look after the internal consumer also. We cannot neglect the interests of the internal consumer, full stop.